जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत अद्भुत सत्संग है। ये गुरु जी की एक और ऐसी लीला है जिसे सुन के हम प्यार में और श्रद्धा में ही हमारा सिर गुरु जी के आगे झुक जाएगा। संगत जी, कि गुरु जी हमें किस ढंग से कैसे कैसे हमें बचाते हैं। जैसे आपने टाइटल ही देखा है ना सत्संग का, कि सपने में कैसे गुरु जी ने आंटी को सब निगेटिव एनर्जी से बचाया, बाहर निकाले। सब ब्यूटीफुल सत्संग, बहुत प्यारा सत्संग है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है गुरु जी की बहुत प्यारी और लाडली बिटी हैं, नोएडा से प्रियंका त्रिपाठी आंटी जी। हाँ जी, नोएडा से प्रियंका त्रिपाठी आंटी जी ने सत्संग शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से मैं कब से शेयर करना चाह रही थी, बट मे बी गुरु जी की आज्ञा नहीं थी तो मैं नहीं शेयर कर पाई। आज मैं आपके साथ सब शेयर करती हूँ। ऑन सितंबर 7 अराउंड 3:50 PM मैं सो रही थी एंड आई सॉ अ ड्रीम कि मेरे फादर इन लॉ इज़ रिंगिंग द बेल एंड आई वेंट टू ओपन द डोर। Ariman is with me, my son. और when we entered in hall, hall पूरा गीला हो रखा है and I मैंने अपने बच्चे को डांटा कि तुम ही ने ये सारा पानी यहाँ पे गिराया होगा। और मैं गई आगे, मैंने दरवाज़ा खोला और मैं कह रही पापा जी आप आराम से आइएगा, यहाँ सारा गीला हो रखा है। और मेरे पापा ने देखा कि अरे अरे इतना गीला हो रखा है। और जब हमने टर्न किया जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है वहाँ से अमृत वर्षा हो रही है। ये सारा मेरा ड्रीम है। सीलिंग भी पूरी गीली हो रही है, गुरुजी का स्वरूप से सारी जल वर्षा हो रही है और इतना है कि मेरा इतना फ्लोर गीला हो गया कि हम स्लिप हो जाएंगे। और आर्यमन स्लिप हो भी गया था। देन मैंने हम लोग बहुत खुश हुए कि गुरुजी जल वर्षा कर रहे हैं, मैं, मेरी मदर इन लॉ, पापा, हम सब बहुत खुश हुए। और मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि हमें पूजा करनी चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, चलो हम लोग पूजा करते हैं। देन वी बोथ सेट इन पूजा वाले रूम में और वहाँ पे मैं शिफ्ट 40 पढ़ रही हूँ और मेरी मदर इन लॉ भी कुछ रीड कर रही हैं, कुछ होली बुक, और पीछे कान्हा जी के भजन चल रहे हैं बहुत सुंदर। और मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ और गुरुजी से बातें करते करते मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बोल नहीं पा रही। अब मेरा मुंह जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है और मैं गुरुजी को कह रही हूँ अरे ये क्या हो गया गुरुजी, ऐसे मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। और फिर मैं सोचने लगी सपने में ही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया हो, क्योंकि उससे पहले भी मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुआ जिसमें अमृत वर्षा हो रही थी। और मैंने अपनी ही किसी, मतलब गुरुजी की ही संगत के थ्रू किसी से सुना था कि अगर अमृत वर्षा होती है तो समटाइम इट्स अ साइन कि आपके कोई कष्ट भी कट रहे हैं। तो गुरुजी ओनली नोज कि वो क्या था। तो मैं गुरुजी से ही बातें कर रही हूँ, गुरुजी कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया हो, उस दिन भी आपने ड्रीम में दिखाया था कि अमृत वर्षा हो रही है और उस ड्रीम में आर्यमन की तबीयत ठीक नहीं थी एंड ही वॉज डूइंग वॉमिटिंग एंड टुडे दिस ऑल हैपेंड विद मी। मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ और फिर मैं गुरुजी से कह रही हूँ गुरुजी मुझे किसी के पास नहीं जाना है, मुझे किसी भगवान के पास नहीं जाना है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, किसी से प्रे नहीं करना है, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे फादर, मदर, ब्रदर, सब आप ही हो, आप ही मुझे ठीक करोगे।
मैं गुरुजी से ऐसे कह रही हूँ और मेरा मुंह बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है, इतना टेढ़ा हो चुका है कि जो हमारे ऊपर और नीचे के जो दांत होते हैं वो आपस में अटक गए हैं और मेरा मुंह अब ओपन ही नहीं हो रहा है। और मैं उनसे इशारों में और मन ही मन में मैं उनसे बात कर रही हूँ कि आप ठीक करिए। अब मेरे पूजा वाले मंदिर में एक टेबल फ़ैन है, मैंने सपने में देखा कि वो टेबल फ़ैन बीच में है और वो उस टेबल फ़ैन का मुंह मेरी तरफ है, फ़ैन इज़ रनिंग, दो फ़ैन अभी चलता नहीं है रियलिटी में, बट सपने में वो फ़ैन चल रहा है और उसका मुंह मेरी तरफ है, गुरुजी का स्वरूप पीछे लगा हुआ है। और मैंने देखा जब मैं गुरुजी से प्रे कर रही हूँ कि आप ही ठीक करेंगे, तो मैंने सपने में देखा गुरुजी वाइट चोले में है, मेरे पास जो स्वरूप लगा है दैट इज़ इन येलो चोला, बट इन ड्रीम आई सॉ दैट इज़ इन वाइट चोला, गुरुजी इज़ देयर और एकदम स्ट्रेट गुरुजी खड़े हुए हैं, मतलब मुझे उनका सिर्फ शोल्डर तक का एरिया दिखा। एंड वेन आई वॉज प्रेइंग हिम दैट यू आर द ओनली वन हु विल लाइक मुझे इस प्रॉब्लम से आप निकालेंगे, मैंने देखा अपने ड्रीम में कि गुरुजी पूरा अपने स्वरूप से बाहर आए और उन्होंने मेरे फेस पे फूंक मारा, ही डिड वन टाइम एंड वो फिर मतलब मेरा मुंह ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने कहा पापा देखो ये ठीक नहीं हुआ है, आप देखिए पापा ये ठीक नहीं हुआ है, गुरुजी ने एक बार फूंक और मुझे मारा और फिर भी नहीं हुआ, और मैं कह रही पापा देखो ना ठीक नहीं हुआ, पापा देखो मेरे फेस को क्या हो गया क्या हो गया, एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग इन माई ड्रीम। और आई डोंट बिलीव कि मेरी नींद खुली, जब मैं उठी दिन का टाइम था ये, मैं उठी एंड आई रियलाइज कि मेरा जो फेस है वो ठीक है, और मैंने अपने फेस को टच करा और थोड़ा सा मतलब मे बी वो ड्रीम था तो इसलिए थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा टाइट लगा, बट जब मैं उठी तो आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, आई थैंक्स टू गुरु जी, आई हग्ड हिम, आई किस्ड हिम ऑन हिज फॉरहेड, आई थैंक शुक्राना मालिक, कुछ ना कुछ तो था जो इस तरह से मेरे ऊपर था और जो आपने काटा है आकर के, कुछ था वो, आई डोंट नो वो क्या था, और मैंने बहुत सारा थैंक यू करा उनको। और फिर मैंने अपना एक मैंने फ़ोन देखा, मुझे लगा कि अगर ऐसा कुछ है तो कई बार होता है ना कि हमारे पास गुरुजी कुछ मैसेजेस भी भेजते हैं, गुरुजी के थ्रू ही मैसेज आते हैं, एंड यू वोंट बिलीव जब मैंने अपना फ़ोन ओपन किया, गुरुजी का सत्संग ब्लेसिंग वाला मेरे पास एक ग्रुप है जिसमें सारी गुरुजी की संगत है, उसमें फ़ोन में ये मैसेज था, मतलब ओपन करते ही पॉप्ड अप ही यही हुआ, तेरी परवाह किसी नू होवे या ना होवे, मैनू तेरी सब तो ज़्यादा परवाह है, मेरा बच्चा तू बहुत आगे जाएगा, ए हाथ तेरा सिर ते हैगा, मतलब मेरा हाथ तेरे सिर पे हैगा, और उसमें लिखा था शुक्राना करें जा ऐश कर, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, ये सब पूरा मुझे मैसेज मिला। तो मुझे बिलीव हो गया कि कुछ था, गुरुजी ने काटा, गुरुजी ने ठीक करा और गुरुजी ने मैसेज भी दिया। अदरवाइज़ कितने ऐसे मैसेजेस आते हैं जो मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, दो वो गुरुजी से ही रिलेटेड होते हैं, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, लव यू गुरुपा, ये सब आते रहते हैं। गुरुजी के पिक्चर्स के बाद ही लोग इतने सारे मैसेजेस करते हैं, बट अगर थाउजेंड्स ऑफ मैसेज हैं तो आप भी कितना ही रीड करेंगे। सो सिमिलरली मैं भी नहीं करती, बट मुझे पता था कि हाँ गुरुजी आए हैं ड्रीम में, कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा। मैंने अपना ग्रुप ओपन किया और वो मैसेज सीधा मेरे ड्रीम से ही रिलेट करता हुआ आया। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज़ गुरुजी, इट इज़ गुरुजी's miracle in his world। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी।